वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी 150 वाट की ये जो चार प्लेटें हैं यानी कि टोटल 600 वाट का मेरा सोलर सिस्टम है, इससे मैं क्या क्या चीज़ें चलाता हूं। तो ये दो प्लेटें ये हैं और दो प्लेटें ये हैं, ये तो आपको नज़र आ रही होंगी, इनका मैंने रिव्यू पहले भी कई दफ़ा दिखाया है। ये एक थोड़ी सी अच्छी हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मल हैं, बहरहाल एनी हाउ चारों मिलके तकरीबन कोई 18 एम्पेयर बना लेती हैं ये चारों मिलके तकरीबन। तो ये कुछ ज़्यादा, ये 10 एम्पेयर बना लेती हुई 11 एम्पेयर और ये मुश्किल से तकरीबन 6-7 एम्पेयर बनाती हैं। तो ये चार प्लेटें लगी हुई हैं और वैसे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस साइड पे जहाँ से सूरज निकलता है उस साइड पे काफ़ी ऊंची दीवार है, पहले नहीं थी, अब ये बन गया, इस वजह से इसके ऊपर धूप थोड़ी सी लेट आती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होता है, लेकिन फिर भी मेरा काम अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब नीचे चलते हैं, इससे इस छत के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे वाले रूम में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि एक तो डीसी लोड है, एसी लोड के ऊपर मैं क्या क्या चला रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। छत पे हम खड़े थे, हम उसी रूम में आ गए हैं। एक ये डीसी फ़ैन है, ये चल रहा है, दो लाइटें चलती हैं डीसी, अभी वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, उसको मैं फ़िक्स कर लूँगा। उसके अलावा इस कमरे में डीसी लोड कोई नहीं है, तो डीसी लोड एक ये चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों मैंने ये सप्लाई लगाई हुई है, ये 12 वोल्ट की सर्वर सप्लाई है कंप्यूटर की, तो इससे मैं कूलर चलाता हूँ, दो कूलर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये सप्लाई सिर्फ तब तक चलती है जब तक बैटरी फुल नहीं हो जाती, जैसे बैटरी फुल हो जाती है सप्लाई बंद हो जाती है, सारे कूलर ऑटोमेटिकली बैटरी और सोलर पे चलने जाते हैं। उसके लिए मैंने कंट्रोलर लगाया जो कि स्विचिंग करवाता है, इसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ। तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कूलर भी जो दोनों हैं वो भी मेरे उसके ऊपर सोलर के ऊपर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये UPS है, ये UPS से बैटरी मैंने कभी चार्ज नहीं की, ये देखिए आप बंद है UPS, जब लाइट जाती है तब ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसका सारा रिले का सिस्टम इसमें मैंने लगाया हुआ है। तो ये भी जो है आप कह सकते हैं कि ये भी किसी हद तक सोलर से ही चलता है, क्योंकि ये चार्ज नहीं करता बैटरी को, सिर्फ लोड देता है जब लाइट चली जाती है, एसी लोड। तो एसी लोड में इस कमरे में एक ये वाला फ़ैन लगा हुआ है, एक वो LED सेवर लगा हुआ है, ये दो चीज़ें इधर चलती हैं इस रूम में। और इस रूम के बाहर एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है, वो भी UPS के ऊपर ही है। और अब इससे नीचे चलते हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो। इस कमरे के बाहर आप देख सकते हैं कूलर पड़ा हुआ है, ये कूलर है, ये भी इसी के ऊपर चलता है। नीचे ये एक और कूलर पड़ा हुआ है, ये भी DC कूलर है, तो ये भी उसी तरह चलता है जैसे ऊपर वाला चलता है, जब बैटरी फुल नहीं होती तो बिजली पे होता है, फिर सोलर और बैटरी पे कन्वर्ट हो जाता है। इसी रूम में एंटर हो तो ये एक DC फ़ैन है और ये दो लाइट्स हैं, तो ये DC लोड उसके ऊपर है। इसके अलावा पूरे घर में DC लोड कोई नहीं है, दो कूलर हैं, दो DC इस तरह के फ़ैन हैं और चार इस तरह की लाइटें हैं। इसके अलावा पूरे घर में AC लोड है जो कि UPS पे चलता है। ये साफ बाथरूम है, बाथरूम में एक एनर्जी सेवर है, वो भी UPS पे है। किचन की बात कर ली जाए तो किचन में भी एक एनर्जी सेवर UPS पे है। ये एक और फ़ैन है, ये और वो साथ वाला LED सेवर, ये भी UPS पे है, ये भी उसी से चलता है। और ये एक एनर्जी सेवर है बिजली का, ये भी इसी पे चलता है। इसके अलावा अगर हम इससे नीचे वाले कमरे में जाएं तो मज़ीद हमें इस तरह के दो फ़ैन नज़र आएंगे, वो भी UPS पे चलते हैं जब लाइट चली जाती है। और तकरीबन 3 LED सेवर हैं, वो भी UPS पे चलते हैं। चौथा नीचे बाथरूम में लगा, वो भी UPS पे है। गैराज में एक और एनर्जी सेवर है, वो भी चलता है। तो टोटल कुछ मिला के 11 एनर्जी सेवर हैं जो UPS पे चलते हैं, और चार इस तरह के फ़ैन हैं जो UPS पे चलते हैं, दो इस तरह के DC फ़ैन हैं जो सोलर पे चलते हैं, और इस तरह की चार लाइटें हैं जो DC हैं वो जो सोलर पे चलती हैं, और दो कूलर हैं वो वापडा पे भी चलते हैं और UPS पे भी चलते हैं। और यार सबसे एंड पे मैं एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया हूँ, एक चार्जिंग फ़ैन जो कि पेडिस्टल चार्जिंग फ़ैन होता है, वो मेरी उसकी बैटरीज ख़राब हो चुकी थी, उसको भी मैंने सोलर भी अब कन्वर्ट किया हुआ है, वो मैं नेक्स्ट किसी और वीडियोस में दिखा दूंगा आपको कि उसको उसका मैं उसमें मज़ीद बता दूंगा कि आप किसी भी ख़राब चार्जिंग वाले फ़ैन को किस तरह से सोलर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।